तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो इनवाइस के फॉर्मेट दिख रहे हैं। पहला नंबर का जो इनवाइस है दोस्तों, ये अभी तक आप अपने टैली से प्रिंट करते होंगे। सेकंड वाला जो इनवाइस है दोस्तों, इसको भी आप टैली से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई दोनों में फर्क क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखना, कहीं पे स्किप मत करना, किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना यार। उससे क्या होगा कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो पहले वाले इनवाइस में आप देखिए, यहाँ पे जो ई इनवाइस की जो डिटेल है वो ऊपर इस तरह से प्रिंट हो रही है, और यहाँ पे MSME नंबर भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ना ही सप्लायर का हो रहा है और ना ही बायर का हो रहा है। लेकिन जो सेकेंड वाला इनवाइस है, इसमें ई इनवाइस की डिटेल यानी कि QR कोड, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट ID, एक्नॉलेजमेंट डेट भी प्रिंट हो रही है, लेकिन उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है। यानी कि अब जो इनवाइस है इसमें ज़्यादा आइटम्स आ सकती हैं, और ये थोड़ा सा खाली खाली इनवाइस नहीं लग रहा है, भरा भरा सा इनवाइस लग रहा है। साथ ही साथ इसमें बायर और सप्लायर का दोनों का MSME नंबर भी प्रिंट हो रहा है। तो ये सेकेंड वाला इनवाइस का फॉर्मेट आप टैली से कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की ये क्वेरी थी कि भाई हमारी जो ई इनवाइस निकलती है ना, उसमें जो ई इनवाइस की डिटेल है वो सही तरीके से प्रिंट नहीं होती। हम चाहते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ऊपर से नीचे कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कि जगह खाली हो, हमारा पेज भी ज़्यादा ख़राब ना हो, इनवाइस भी भरा भरा अच्छा लगे। दूसरा जो क्वेरी था कि भाई MSME नंबर नहीं आया, जैसे कि आज की डेट में मैंडेटरी हो गया इनवाइस पे MSME नंबर प्रिंट करना, लेकिन टैली में अभी तक ये फीचर नहीं आया है। तो उनके लिए हमने ये TCP फाइल, ये एडोन फाइल डेवलप की है, और ये आपको मिलेगी कैसे अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फ्री है या पेड है या आपको क्या करना पड़ेगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रिंट कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, कैसे आपने इस इनवाइस को प्रिंट निकालना है। तो जब आपके पास ये जो फाइल है, ये TCP फाइल है आ जाएगी, तो इसको आपने टैली के साथ कॉन्फिगर करना है, यानी कि अटैच करना है अपने टैली में। तो अटैच कैसे करना है, आपने टैली ओपन करना है और यहाँ पर हेल्प में जाना है, और हेल्प में जाने के बाद में TDL एंड एडवांस पे जाना है, और यहाँ पे मैनेज लोकल TDL यानी कि F4 पे जाना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उस TCP फाइल को आपने चूज कर लेना है जहाँ पे भी आपने वो रखी हुई है। तो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रखी है और यहाँ पे मैंने इस फोल्डर के अंदर में रखी है, तो ये आपने यहाँ पे चूज कर लेना है और लोड TDL को यस कर देना है। इतना करने के बाद में यहीं पे जब आपका ये लोड हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है लोडेड, तो यहाँ पे आपने F6 का जो बटन है एड ऑन फीचर्स में जाना है, और यहाँ पे आपने चेंज ई इनवाइस डिटेल पोजीशन को यस करना है। अगर आप ई इनवाइस की जो डिटेल्स की पोजीशन है वो ऊपर से नीचे, जैसे कि अभी आपको फॉर्मेट में दिखा था, तो वैसे अगर आप चाहते हैं तो ये यस कर देना है, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर देना। एनेबल MSME नंबर प्रिंटिंग ऑन इनवाइस, अगर MSME नंबर आपको प्रिंट करना है तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको चाहिए उसको यस कर सकते हैं, दूसरे को नो कर सकते हैं, या दोनों यस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जिसको यस करने के बाद में सेव कर देना है। तो अब जब आप अपने टैली से इनवाइस प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ प्रिंट होगा, जो कि अभी आपने फॉर्मेट देखा था स्क्रीन पे। तो ये देखिए, आपकी जो ई इनवाइस की डिटेल है वो आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, और ई इनवाइस की जो IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट ID और एक्नॉलेजमेंट डेट आपकी यहाँ प्रिंट होंगी, QR कोड यहाँ पे और ये डिटेल यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कि आपके डिफ़ॉल्ट टैली में प्रिंट होता है। अब यहाँ पे जो MSME नंबर भी हमने एनेबल किया था वो हमारी कंपनी का यहाँ पे आ रहा है, और जो बायर का है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी MSME नंबर और बायर का और कंपनी का कहाँ पे डालना है, चलो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो बायर का तो उसके लेजर में डलेगा, जैसे कि ये आपका लेजर है, तो यहाँ पे अगर आप इसके ऑल्टरेशन में जाएंगे या नया बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा MSME नंबर डालने के लिए। तो जो भी आप यहाँ पे MSME नंबर डालेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप और डिटेल भी डालते हैं, GST वगैरह की डिटेल। अब बात करें भाई अपनी कंपनी का कहाँ पर डालें, तो आपको अपनी कंपनी का MSME नंबर यहाँ पर कंपनी में जाना है, ऑल्टर करना है, और यहाँ पर आपको MSME नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा इनवाइस में। ठीक है दोस्तों, तो ये इनेबल करने के बाद में आप इस तरह का इनवाइस टैली से प्रिंट कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि भाई ये मिलेगा कैसे, ये जो TCP फाइल है, एडोन फाइल है, ये मिलेगा कैसे, क्या ये फ्री है या पेड है। तो दोस्तों आने वाले 2 दिन के लिए, जब से ये वीडियो पब्लिश हो रही है, तो 2 दिन के लिए ये बिल्कुल फ्री रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद ये लिंक यहाँ से हट जाएगा डाउनलोड के लिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और फिर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, और परचेज की डिटेल अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ और इसका प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई दो दिन के लिए ही क्यों दे रहे हो? तो दोस्तों, मेरे अधिकतर व्यूअर ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और प्रोएक्टिवली हमें रिस्पॉन्ड भी करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आगे भी फॉरवर्ड करते हैं और हमें कमेंट करके बताते भी हैं कि भाई कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो जो प्रोएक्टिवली हमारे साथ कनेक्ट हैं, जैसे कि किसी ने मेंबरशिप ज्वाइन किया है यूट्यूब चैनल पे, तो ऐसे व्यूअर ऐसे हैं, उनके पास जैसे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा वो इस वीडियो को तुरंत देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट सर्विस वाली बात है, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आया, आपने वीडियो देखा, आपके काम का है, तो आपने डाउनलोड करके रख दिया और अपने टैली के साथ अटैच कर दिया। लेकिन अदर जो व्यूअर्स हैं जो कि इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो उनको ये जो है परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो अधिकतर व्यूअर ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो यार उनको फ्री में क्यों दें? उनके लिए तो पैसे में ही देना चाहिए ना, क्योंकि जब आपकी जेब से एक रुपये भी नहीं लग रहा है तब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, तो आपको फ्री में क्यों दें? तो सीधी सी बात है, ऐसे व्यूअर्स जो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये फ्री है और वो दो दिन के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो उनको भी ये परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए आपके स्क्रीन पर ये डिटेल दिख रही है, आप यहाँ पे QR कोड है, आप इस पर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। 500 रुपये का ये एड ऑन रहेगा, आप 500 रुपये की पेमेंट करके आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस ये रखिए कि भाई व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका ईमेल आईडी और टैली का सीरियल नंबर आपने व्हाट्सएप कर देना है, तो हमें जैसे ही रिसीव होगा 24 to 48 hours के अंदर आपको ये TCP आपकी मेल पे मिल जाएगी। और दोस्तों, इसको पेड करने का दूसरा रीज़न ये भी है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका मिसयूज़ करते हैं। अब मिसयूज़ आप समझ सकते हो कि किस लेवल तक का मिसयूज़ करते हैं। तो दो दिन के लिए इसलिए हमने इसको फ्री रखा है और दो दिन के बाद आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।